Hello everyone. Good morning USA. Good afternoon India and good afternoon to London too. London में मेरी बड़ी प्यारी सी फ्रेंड है, उसकी शिकायत रहती थी कि मैं लंदन वालों के लिए कुछ नहीं कहती हूँ, इसलिए मैं अभी से लंदन को हमेशा मेंशन करूँगी अपनी बातों में, अपने विशेज में. तो मैं गुड मॉर्निंग में कोई और मैसेज देने की जगह मैं आज आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ. कमेंट में किसी ने मेंशन किया था कि मेरी खुशी का राज क्या है, मैं हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हूँ. तो मैं बताती हूँ, बट मैं बहुत शॉर्ट में कोई बात नहीं बता पाती हूँ, तो 90 मिनट में ख़त्म नहीं होगी बात. तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर जाइए, मेरे यूट्यूब की चैनल की लिंक दी हुई है बायो में. और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, जैसे आप अपना प्यार इंस्टा पे दिखा रहे हो. इतने सारे फॉलोअर्स हैं मेरे यूट्यूब पे, बहुत ही थोड़े से हैं, नॉट इवन 1000. तो जिन लोगों को पसंद आए वो लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इवन फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे. तो चलिए बात पे आते हैं. तो सबसे बड़ी पहली बात तो मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया, इतनी पॉजिटिविटी डाली मेरे अंदर, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेने की आदत सिखाई मुझे. स्पेशली ये क्रेडिट जाता है मेरे पापा को, मतलब पेरेंट्स को जाता है दोनों को ही, बट स्पेशली पापा को कहूँगी, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हों. और दूसरी बात, मैं क्या रूल्स फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरी लाइफ का रूल है खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ. तो जब प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो वो हम अगर सबसे कहते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो उसका सलूशन नहीं निकलेगा. सलूशन तो हमें ही निकालना है. तो रो रो के निकालने से अच्छा है कि हम खुश होकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. और मैं कभी भी किसी से नफरत नहीं करती, चाहे कोई इंसान मेरे बारे में कितना भी बुरा सोचे. हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, बट मैं उस गुस्से को बहुत लंबे समय तक अपने दिल में नहीं रख सकती. मैं थोड़ी देर में भूल जाती हूँ और मैं अपने से नफरत करने वालों को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती. और ये बातें मैं बस कह नहीं रही हूँ, ये सच सही बातें हैं. और मैं सही बात में किसी से नहीं डरती. जो बात है, मतलब मैं ऐसी बिल्कुल हमेशा से नहीं थी, मैं टाइम के साथ काफ़ी चेंज हो रही हूँ. तो अभी मैं केवल ऊपर वाले से डरती हूँ, कौन क्या सोचता है मेरे बारे में. पहले मैं सोचा करती थी, बट मैं अब इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती. कोई मेरा मजाक भी बनाए तो कोई बात नहीं, कोई मुझे कुछ भी कहे तो कोई बात नहीं, जब तक कि मैं गलत नहीं हूँ. मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे किसी और को तकलीफ पहुँचे. पर्पसली मैं किसी को हर्ट नहीं करती. हाँ, गलती से किसी को तकलीफ दे दी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ. और हमेशा भगवान से भी माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए जाने अनजाने, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दे और मुझे सही रास्ता दिखाए. मैं किसी भी परेशानी को खुद पर हावी नहीं होने देती. सबकी तरह मैं भी परेशान होती हूँ, कभी कभी टूट जाती हूँ, बट फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ये तरीका है लड़ने का. फिर जवाब आता नहीं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है. और जैसे मैं पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करती हूँ आपके साथ, वही मैसेजेस मैं खुद के लिए भी दोहराती हूँ और फॉलो करती हूँ कि उनको मानो. और कोशिश करती हूँ कि सब लोग खुश रहें, मेरी बातों से किसी को तकलीफ ना पहुँचे. पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई मेरा फ़ायदा उठा सकता है. मैं कई बार लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मुझे पता भी चल जाता है, फिर भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ. बट वो चीज़ें एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रीम हुई तो फिर वो बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है. तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलतियाँ करती हूँ और गलतियों से सीखती भी हूँ और कभी कभी नहीं भी सीखती हूँ. बट मैं खुश रहती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ. और आप सबसे भी यही कहूँगी कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. और शायद कुछ बातें भूल गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि कुछ लिख के और बोलूँ या लिख के रिकॉर्ड करूँ. तो बाद में बताती रहूँगी जैसे ही याद आएंगे. तो चलिए, आप सब इंजॉय करिए. बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे.